नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज कौन सी खबरें लेकर आए हैं, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं चार बड़ी खबरें। हमारी आज की पहली बड़ी खबर रहेगी दोस्तों, सेना के ऊपर हो रहे खर्च के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, टॉप 5 देशों के नाम जो अपनी सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, रिजल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड अपना जो रिजल्ट है 10th और 12th क्लास का, वो कब घोषित करने वाला है, हम आपको बताएंगे उस डेट का नाम। दोस्तों, हमारी आज की अगली खबर रहेगी मोबाइल ग्राहकों के बारे में। हमारे भारत देश के अंदर मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1 अरब के पार हो गई है। हम आपको बताएंगे दोस्तों, कौन सी टेलीकॉम कंपनी के कितने ग्राहक है। और हमारी आज की अगली खबर रहेगी दोस्तों, शाओमी कंपनी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप शाओमी का स्मार्टफोन यूज करते होंगे, आपको अच्छा भी लगता होगा। अब शाओमी आपको कमाने के और ज़्यादा अवसर देने जा रही है। हम आपको बताएं दोस्तों, शाओमी अपना IPO लेकर आ रही है, और दोस्तों आप IPO से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हमारी जो खबरों का ये सिलसिला है वो शुरू करते हैं दोस्तों, और हम आपको विस्तार से पूरी खबरें बताते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज की हम पहली खबर लेते हैं। हमारी आज की पहली खबर है दोस्तों, सेना के ऊपर। हाँ दोस्तों, कौन सा देश अपनी सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, हम आपको बताएं। दोस्तों, 2017 के अंदर कई देश है जिन्होंने अपना जो रक्षा बजट है उसको कम कर दिया है, कई देश है जिन्होंने अपना रक्षा बजट वैसा का वैसा ही रखा है, और कई देश है जिन्होंने अपना जो रक्षा बजट है वो बढ़ा दिया है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, सेना के ऊपर जो टॉप 5 देश है वो कितना पैसा अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और वो टॉप 5 देशों के अंदर क्या हमारा भारत देश भी शामिल है। हम आपको बताएं दोस्तों, टॉप 5 देशों के अंदर हमारा भारत देश भी अब शामिल हो गया है। दोस्तों, हम जो हमारी सेना है उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और टॉप 5 देशों के अंदर हमारे भारत देश का नाम भी है। हम आपको बताएं दोस्तों, स्वीडन की जो हथियारों पर निगरानी रखने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में दोस्तों यह कहा गया है कि जो टॉप 5 देश है वो कौन कौन से हैं, और वो कितना पैसा अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, 2017 में रक्षा खर्च में अग्रणी जो 5 देश हैं उनके नाम दोस्तों, पहले नंबर पर आ रहा है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आ रहा है चीन, तीसरे नंबर पर आ रहा है सऊदी अरब, चौथे नंबर पर आ रहा है रूस, और पांचवें नंबर पर है दोस्तों हमारा देश भारत। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं, अमेरिका अपना जो सेना है दोस्तों अमेरिका की, उसके ऊपर खर्च करता है दोस्तों, 2017 के ये आंकड़े हैं, वो खर्च करता है दोस्तों $610 अरब। हम आपको बताएं दोस्तों, चीन अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है $228 अरब, और भारत अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है दोस्तों $63.9 अरब, और रूस अपनी सेना के ऊपर खर्च करता है दोस्तों $66.3 अरब। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमने आपको ये बताया है, अरबों में डॉलर बताई है, इतना जो पैसा है दोस्तों सभी देश जो टॉप 5 देश हैं वो अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया है दोस्तों कि नंबर 1 पर है अमेरिका, और 5 के ऊपर है दोस्तों हमारा देश भारत। ये जो सभी आंकड़े दोस्तों हमने आपको बताए अरब डॉलर के अंदर, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों लाख करोड़ के अंदर आंकड़े, कि कौन सा देश कितने लाख करोड़ अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है। पहले नंबर पर है दोस्तों अमेरिका, जो 40.68 लाख करोड़ रुपए अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है। दूसरे नंबर पर है चीन, जो अपनी सेना के ऊपर दोस्तों 15.19 लाख करोड़ रुपए अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है। तीसरे नंबर है सऊदी अरब, सऊदी अरब अपनी सेना के ऊपर 4.60 लाख करोड़ रुपए अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है। चौथे नंबर पर है दोस्तों रूस, रूस अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है 4.40 लाख करोड़ रुपए। और पांचवें नंबर पर है हमारा देश भारत, वो खर्च कर रहा है दोस्तों अपनी सेना के ऊपर 4.26 लाख करोड़ रुपए। और छठे नंबर पर है दोस्तों फ्रांस, वो अपनी सेना के ऊपर खर्च कर रहा है 3.86 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों, हमने आपको अरब डॉलर और लाख करोड़ दोनों के अंदर ही इनके खर्चे बताएं।
तो दोस्तों यह सभी देश अपनी सेना के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों एमपी बोर्ड रिजल्ट और छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट की डेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड अपना रिजल्ट कब घोषित करेगा और छत्तीसगढ़ बोर्ड अपना रिजल्ट कब घोषित करेगा, पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों एमपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। हम आपको बताएं दोस्तों एमपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा हो सकती है दोस्तों 14 मई को। हाँ दोस्तों 14 मई को रिजल्ट घोषित कर सकता है मध्य प्रदेश बोर्ड, और 14 मई को दोस्तों 10th और 12th क्लास दोनों ही क्लासों का रिजल्ट घोषित कर देगा मध्य प्रदेश बोर्ड। हम आपको पहले बताएं दोस्तों कि जो उत्तर पुस्तिकाओं का चेकिंग का काम है वो पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट जो बनने की तैयारी हो रही है दोस्तों वो तैयारी चल रही है। हम आपको बताएं दोस्तों इस बार 10th क्लास के अंदर 11,48,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था और 10th क्लास की एग्जाम हुई थी दोस्तों 5 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अब हम आपको बता रहे हैं 12th क्लास के बारे में, इस बार 12th क्लास की एग्जाम दी थी दोस्तों 7,69,000 ने और एग्जाम हुई थी दोस्तों 12th क्लास की इस बार 1 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। दोस्तों हम आपको बताएं आप अपना जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट है वो किस प्रकार देखोगे और कौन सी वेबसाइट है, हम आपको बताएं दोस्तों आप अपना रिजल्ट देखोगे जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है mprizults.nic.in, या दूसरी वेबसाइट का भी नाम हम आपको बता रहे हैं mpbse.nic.in। दोनों ही वेबसाइटों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है, आप वहाँ से भी कॉपी करके अपने वेब ब्राउजर पर पेस्ट कर देना तो दोस्तों आपके सामने जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, आप वहां पर अपना रिजल्ट देख पाओगे। अब हम आपको बताएं दोस्तों इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है results.government.in, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। अब हम आपको बता रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड अपना रिजल्ट कब घोषित करेगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड दोस्तों अपना जो रिजल्ट है वो घोषित करेगा मई के दूसरे सप्ताह के अंदर। हम आपको बताएं दोस्तों 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो दोस्तों मई के दूसरे सप्ताह में घोषित हो जाएगा। हम आपको बताएं दोस्तों जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम है वो इस बार कब ली गई थी, पहले हम आपको बताते हैं 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएँ हुई थी दोस्तों 5 मार्च से 28 मार्च तक, और दोस्तों 12वीं क्लास की जो परीक्षाएं हुई थी वो हुई थी दोस्तों 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक। हम आपको बताएं दोस्तों 10वीं की परीक्षा में 4,42,000 छात्र बैठे थे और वहीं पर दोस्तों 3,86,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। तो दोस्तों यह हमारी एमपी और छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट के बारे में खबर। हमारी आज की अगली खबर है दोस्तों देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1 अरब के पार हो गई। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं दोस्तों हमारे देश के अंदर 1 अरब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताएं दोस्तों देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या हो गई है 1.035। हाँ दोस्तों 1,35,00,000 दर्शक हमारे हो गए हैं दोस्तों मोबाइल के। हम आपको बताएं दोस्तों यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। हम आपको बताएं COAI ने यह रिपोर्ट जारी करी है, और जो दोस्तों COAI है ये विभिन्न रिपोर्टें जारी करता है कि मोबाइल ग्राहकों की संख्या देश में कितनी हो गई है, कौन सा सर्किल नंबर 1 पर है, इस प्रकार की रिपोर्ट COAI ये जारी करता है। हम आपको बताएं दोस्तों एयरसेल, रिलायंस जियो और MTNL के फरवरी तक के आंकड़े इसमें शामिल है। हम आपको बताएं दोस्तों ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय एयरटेल शीर्ष स्थान पर बनी हुई है, उसके ग्राहकों की संख्या है दोस्तों 30,49,00,000। हम आपको बताएं दोस्तों दूसरे नंबर पर है वोडाफोन, वोडाफोन के ग्राहक है दोस्तों 22,26,00,000, और तीसरे नंबर पर दोस्तों कंपनी बनी हुई है आइडिया सेलुलर, और इसके ग्राहकों की संख्या है दोस्तों 21,12,00,000। दोस्तों हम आपको अब बता रहे हैं सर्किल के बारे में कि कौन सा सर्किल नंबर 1 है। पहले नंबर पर सर्किल बना हुआ दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो सर्किल बना हुआ है वो है दोस्तों महाराष्ट्र का। हम आपको बताएं दोस्तों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें ग्राहकों की संख्या है 8,94,00,000। तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो सर्किल दूसरे नंबर पर आया है उसमें ग्राहकों की संख्या है 8,36,00,000। तो दोस्तों यह हमारे मोबाइलों के बारे में खबर कि मोबाइल ग्राहक कितने हो गए हमारे देश के अंदर।
हमारी आज की अगली खबर दोस्तों शाओमी कंपनी के बारे में। आप शाओमी का स्मार्टफोन यूज करते होंगे, आप शाओमी कंपनी को अच्छी तरह जानते भी हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद कंपनी है। हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं शाओमी कंपनी अब शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। हम आपको बताएं दोस्तों, शाओमी कंपनी ने हांगकांग एक्सचेंज में आवेदन किया है आईपीओ के लिए। हाँ दोस्तों, शाओमी कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है। हम आपको बताएं दोस्तों, जो अलीबाबा का आईपीओ के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा चाइनीज कंपनी का आईपीओ होगा। और हम आपको यह बताएं दोस्तों, शेयर बाजार में लिस्टिंग से कंपनी की जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 100 अरब डॉलर के पार। हम आपको बताएं दोस्तों, हांगकांग एक्सचेंज पर सोमवार से बदले हुए नियमों के बाद शाओमी आईपीओ लाने वाली पहली कंपनी होगी। और हम आपको ये बताएं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक्सचेंज के नियमों को हाल ही में कुछ बदलाव किए गए थे। जब भी आईपीओ आएगा हम आपको बता देंगे, आप आईपीओ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो ये शाओमी कंपनी का शेयर है वो आप जानते हो कि ऊंचा बढ़ेगा ऊंचा छड़ेगा। तो दोस्तों, आप यदि शाओमी कंपनी का जो शेयर है वो पहले खरीद लोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।